खेल रहा है ना। अभी मेरी मौजूदगी कबाड़पुर पंचायत के कहा जाए कि खार पर के एक ग्राउंड में है और यहाँ चल रहा है क्रिकेट लीग मैच का और यहाँ पे और आज के मैच का उद्घाटन किए हैं दंत चिकित्सक उदय शंकर जी। इन्हीं से जानते हैं कि सर आखिर यह मैच किस प्रकार का हो आयोजन हो रहा है। देखिए इसका उद्घाटन तो शुरुआत बहुत पहले हो गया था बट हमें यहाँ के आयोजक ने आमंत्रित भी किया था, किसी निजी कारणवश नहीं आ पाया था बट आज मैं फ्री था तो बच्चों के बीच में देखने आया कि कैसे किस तरह से टूर्नामेंट चल रहा है। और पिछली बार भी मेरा आना हुआ था और इस तरह का जब भी मैच होता है मुझे बुलाते हैं तो मैं आना चाहता हूं। इससे देखिए क्या है कि टेनिस बॉल से कुछ भविष्य तो नहीं है आगे, लेकिन जो बच्चे स्पोर्ट्स से जुड़े हुए रहते हैं वो समाज के लिए हमेशा हितकर ही रहेंगे। स्पोर्ट्स से हो, संगीत से हो, कोई कार्यक्रम में जब बच्चा हमारा इन्वॉल्व रहता है तो जब उसमें अच्छा करता है तो उसको हमेशा सकारात्मक सोच होती है और सकारात्मक सोच जब सभी बच्चों में डेवलप होगा तो स्वाभाविक है कि समाज के लिए वो अच्छा ही कार्य करेंगे, कभी कुछ बुरा कार्य नहीं करेंगे। इसीलिए हम लोगों को जब भी जहाँ जैसे मौका मिलता है खेल को प्रमोट करने के लिए पहुंचते हैं और आयोजक का धन्यवाद देंगे कि हम लोगों को हर साल यहाँ पे आमंत्रित करते हैं और एक अच्छा माहौल में यहाँ पर एक अनुशासित वे में क्रिकेट करवाते हैं। इसके लिए आयोजक को धन्यवाद देता हूँ और खिलाड़ियों से अपील है कि आप आपसी भाईचारा बना करके और एक कहिए कि अच्छे से यहाँ पर क्रिकेट करें और लास्ट तक ये सफल आयोजन हो, इसकी शुभकामनाएं देते हैं। और यहाँ के दर्शकों को सर क्या कहना चाहेंगे? दर्शक बहुत ही शानदार रहते हैं, हर टीम को सपोर्ट करते हैं, चाहे जो अच्छा खेले या जिनका दिन अच्छा भी नहीं रहता है तो दोनों टीम को यहाँ पर सपोर्ट किया जाता है। मैं एक लंबे अरसे से यहाँ पे आ रहा हूँ और इस ग्राउंड की खूबसूरती को मैंने देखा है कि दोनों टीम को सपोर्ट करते हैं, जो अच्छा क्रिकेट खेलते हैं और उसको जरूर यहाँ के दर्शक सपोर्ट करते हैं। खिलाड़ियों से अनुरोध रहेगा कि अनुशासन वे में अंपायर की बात को मानते हुए, खेल की गरिमा को देखते हुए और अपनी पर्सनालिटी को, आप अपने व्यवहार को इस तरह से प्रदर्शित करें कि आप हार भी जाएं तो यहाँ के दर्शक आपको जरूर अप्रिसिएट करें कि नहीं नहीं अच्छा खेल खेल के गया है। ऐसा ही आशा हम लोगों को सारे खिलाड़ियों से है और आशा करेंगे कि इसी तरह का एक सफल आयोजन यहाँ पे हर साल होता रहे, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया है। युवाओं लोग के लिए खेल से जुड़े रहेंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे और एक समाज का अच्छा माहौल भी रहता है। लीग मैच का आयोजन हो रहा है, इसका शुभारंभ कब से हुआ और कितने टीम भाग ले रही है और क्या मान जो भी विनर होंगे रनर होंगे उनका प्राइज वगैरह क्या रखे हुए हैं? 5 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है टूर्नामेंट, इसमें 24 टीम भाग लिए हैं। इसका प्राइज है 12,000 विनर, 7,000 रनर और मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, ये सब प्राइज रखे हुए हैं। तो मुख्य रूप से कहाँ कहाँ की टीम इसमें भाग ली है? इसमें हर गांव का है ना, यानी ये फुजगढ़ा क्षेत्र के, फुजगढ़ा क्षेत्र के, लखीसराय के भी क्षेत्र, पूरा लखीसराय। अच्छा, तो उसमें अभी तक कितना मैच हो चुका है? अभी 24 टीम मतलब लीग मैच खत्म हो गया है। अच्छा, तो ये सेकंड राउंड चल रहा है। फाइनल का आयोजन कब होगा? फाइनल 1 हफ्ता अंदर हो जाएगा। फाइनल का डेट अभी डिसीजन नहीं हुआ, नहीं हो पाया है। तो यहाँ क्षेत्र आस पड़ोस के गांव के लोगों को ताकि उसको जानकारी मिले और मैच का आनंद लेने आए उन दर्शकों को क्या कहेंगे? यहाँ दर्शकों को यही मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ आकर मैच देखें और आनंद लें। मैच देखें और आनंद लें, इसी तरह के हर साल टूर्नामेंट कराएंगे सब, आगे भी होते रहेगा। तो ये थे आयोजक मंडल के एक एक्टिव सदस्य जिनका कहना हुआ कि इस ग्राउंड पे आए और मैच का आनंद लें। फाइनल का भी डेट निर्धारित नहीं हुआ है, जब निर्धारित होगा तो उसकी भी जानकारी दी जाएगी। तब तक बने रहे फौजन समाचार के साथ, नमस्कार।